Hello guys, my name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. So I once again welcome you all to my channel, and the topic for today's video is all about detailed application form. So as you know that TestNet results have been announced, and many of you would be wondering how to fill the detailed application form. So I am here with a ultimate guide to the detailed application form. So we'll be discussing the basics of why the DAF is important and how you can fill the DAF form so as to maximize your chances of selection. I would like to take a minute to remind you that this detailed application form is not evaluative, as per in a sense that it does not carries any weightage, but at the same time this form carries your way into your respective program, because it is directly linked with your interview and the interview has a weightage. So the things that you'll write in this detailed application form, they'll impact your interview questions and overall how the interviewer assesses you. So it's very important to fill in this detailed application form with utmost seriousness and sincerity. So I'll just share some quick tips and quick basic frameworks that you'll need to follow. So let me just start with the basic question ki what is this detailed application form and why is it needed. Theek hai, to sabse pehle iska jo purpose hai wo aap samjho. Iska jo purpose hai वो आपके इंटरव्यूअर को एक आपकी बेसिक पर्सनैलिटी का आइडिया लग जाए, और दूसरी चीज़ आपका वो प्रोग्राम को परसू करने का क्या पर्पज़ है वो उन्हें क्लियर हो जाए. ठीक है, ध्यान रखना ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, किन चीज़ों ने आपको शेप किया है अभी तक क्या आपके लाइफ में, आपके वर्क एथिक्स क्या है, और दूसरी चीज़ आपका वो कोर्स परसू करने का जो पर्पज़ है वो आपको एसेस करेगा ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. सो सबसे पहले वो चीज़ें देखते हैं जिनमें लोगों को यूजुअली दिक्कत आती है. तो जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, 10th 12th की डिटेल्स फिल करना, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर लोगे. आपको दिक्कत आ जाएगी अगर आपका गैप ईयर है, तो आपको गैप ईयर जस्टिफाई करने में वहाँ पर एक कॉलम रहता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, यू हैव टू जस्टिफाई योर गैप ईयर, नॉट एज पर से जस्टिफाई, वहाँ पर बस आपको फिल करना होता है कि आपने अगर गैप ईयर लिया है और आपने उस टाइम को कहाँ पर यूज़ किया था. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक गैप ईयर था 12th के बाद, जब मैंने JEE की कोचिंग की थी ड्रॉप लेकर के, सो मुझे वहाँ पे मेंशन करना पड़ा था. ठीक है, अब उसका भी एक तरीका होता है कि आप ये मेंशन करो कि उस वो गैप ईयर आपने क्यों लिया, और आप सटली ये चीज़ इंसर्ट करो वहाँ पर कि आपने किन किन स्किल्स को डेवलप किया. ठीक है, तो आप एक या दो या तीन लाइन में लिख सकते हो कि मेरा ये जो गैप ईयर था ये JEE की या नीट की या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन में गया, एंड देन उससे मैंने बहुत सारा की स्किल्स डेवलप किया, सब्जेक्ट की डीप नॉलेज गेन की, जिसको आपने फ्यूचर में यूज़ किया. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद आई चूज़ टू बी अ ट्यूटर, मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी बना. सो मेरी जो जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया और जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एनरोल किया था, तो वहाँ एक टीचर से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, तो वो चीज़ मैंने मेंशन की थी. ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने लर्निंग्स को लिंक करोगे अपने गैप ईयर्स जस्टिफाई करने के लिए, पहली चीज़ ये हो गई. ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो ये होता है कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम. ठीक है, ये दिस इज़ द क्रक्स ऑफ लाइक एंटायर इंटरव्यू एज वेल एज योर DAF फॉर्म. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने जितने भी, अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस का जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ से, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो उसके बाद आपने प्रोग्राम डिसाइड किया है ऑप्ट आउट करने का, तो वहाँ से, या फिर स्कूल की किसी एक्सपीरियंस से आपका इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट आया वहाँ से, इन चीज़ों को आपको मेंशन करना है कि कैसे आपके स्कूल या कॉलेज या फिर ऑफिस या फिर कोई बुक आपने पढ़ ली या फिर कोई ऐप का क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया जिसके कारण आपका इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट आ गया है. ठीक है, ये पहली चीज़ आप मेंशन करोगे, विच इज़ कि कैसे आप इस प्रोग्राम की तरफ इंक्लाइन हुए. और दूसरी बात, आपको इसी चीज़ को स्मार्टली लिंक करना है अपने फ्यूचर प्रोफेशनल कमिटमेंट या फिर फ्यूचर प्रोफेशनल गोल्स से, यानी कि इस प्रोग्राम में आने के बाद आप जो चीज़ें सीखने वाले हों वो कैसे आपके आपके फ्यूचर का प्रोफेशनल गोल्स को रियलाइज़ करने में हेल्प करने वाली है. ठीक है, इन दोनों चीज़ों का आंसर करके आप बहुत अच्छे से एक स्टोरी फॉर्मेट में वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स का आंसर बनाओगे. ठीक है, याद रखना कि क्या की स्किल्स या क्या कैपेबिलिटीज़ या फिर क्या लर्निंग्स आप इस कोर्स से लेकर के जाना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, और इन कोर्स के रिलेटेड आपका जो इंटरेस्ट है वो किन चीज़ों से शेप हुआ है वो आपको क्लियर होना चाहिए. इसके अलावा अगर आप ये भी ऐड कर पाओ कि आप कैसे इस कोर्स में वैल्यू ऐड करोगे या फिर
आपका जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है वो कैसे आपको इस कोर्स के लिए सूटेबल बना रहा है, वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना कि क्यों आप इंटरेस्टेड हो, ये पहला प्रेसिडेंस लेगा एज कम्पेयर्ड टू कि कैसे आपके एक्सपीरियंसेस से ये कोर्स आपके लिए सूटेबल बन रहा है। तो आपका जो टोन है वो मोटिवेशन और इंटरेस्ट को शो करना चाहिए, ये चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है बायोग्राफिकल स्केच, जो अराउंड 250 वर्ड्स में आपको अपना एक बायोग्राफिकल स्केच लिखना होता है। अब जब आप बायोग्राफिकल स्केच लिखोगे तो अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मोर ऑफ लाइक इन अ फैक्चुअल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। आप स्टार्ट करोगे अपने फैक्चुअल डिटेल से, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, आपकी बर्थ प्लेस क्या है, थोड़ा सा एक शॉर्ट फैमिली बैकग्राउंड बता दिया, स्कूलिंग बता दी, एजुकेशन बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे अपने अचीवमेंट्स हाईलाइट करना कि आपने स्कूल के टाइम पे क्या अचीवमेंट्स किए, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे। सेम गो विद देन विद द कॉलेज एंड देन विद योर वर्क एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव एनी। यहाँ पर अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स का भी यूज़ नहीं करना है कि दैट आई एम दिस आई एम दैट, वो नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए फैक्चुअल, जो आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो आपके एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं, वो आपसे आपके रिलेटेड एक आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक आइडिया लगाना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आपने मेंशन कर दिया आपके जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपने मेंशन कर दिए, आपके अचीवमेंट्स। अब एक और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है कि अगर आप अपने फेलियर्स जो मेंशन भी आपने किए हुए हैं या फिर आपने फेस किए हुए हैं उन्हें भी आप मेंशन कर सकते हो एज अ लर्निंग के फॉर्म में, कि आपने कोई लेट से कोई वेंचर ट्राई किया और वो वेंचर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपने क्या लर्निंग उसे डिराइव कर ली, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। सो ध्यान रखना कि आपका कोई भी ऐसा परसूट था जिसमें आपने ट्राई किया, लेट से कि आपने गेट का एग्ज़ाम दिया, आपने कोई पीजी एंट्रेंस दिया उसमें आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आप उसको मेंशन करिए ज़रूर कि हाँ मैंने इस ईयर के बाद ये एग्ज़ाम दिया था बट आपका उसमें उस ईयर क्लियर नहीं हो पाया लेकिन आपने उससे ये स्किल सीख ली, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर फेल हुए तो आपको वहाँ पर मेंशन करना है कि आपने वहाँ से लर्निंग क्या ली और कैसे उस लर्निंग से या फिर उन एक्सपीरियंस से आपका आज का जो पोजीशन है, आज का आपका जो इंटरेस्ट है वो शेप हो रहा है, ठीक है। कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप अपने बायोग्राफिकल स्केच में ऐड कर सकते हो, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबीज़, अचीवमेंट्स, ठीक है। इसके बाद पर्सनल वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस आपके क्या है, कौन सी ऐसी की चीज़ है जो आप अपने साथ लेके कैरी करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डिटेल नहीं जाना है बट एक शॉर्ट एक लाइन रहनी चाहिए और वो लाइन आपके एक्सपीरियंसेस से सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए। लेट्स से कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एज अ एक्सपीरियंस गिनाओगे कि व्हेन आई वाज इन माय वर्क प्रीवियस जॉब देन देर वॉज एन इंसिडेंट वेयर आई वर्क रियली हार्ड एंड इट रिजल्टेड इन दिस मच इम्पैक्ट, ठीक है। सो इस टाइप का आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो इस टाइप का करना है, ठीक है। बेसिकली आपके जो बायोग्राफिकल स्केच है उससे आपका एक पर्सनैलिटी, आपका एक मोटिवेशन, आपका एक कमिटमेंट वाला एटीट्यूड आपको एक पोट्रे होकर के आना चाहिए, बट इन अ सेंस कि वो आप खुद ये चीज़ बोलोगे नहीं बट उस चीज़ को रीड करके आपको सामने वाले को ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ ये जो कोर्स आपने चूज़ किया है वो आपके उस बायोग्राफिकल स्केच से सिंक में या फिर रेजोनेंस में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है आपका वर्क डन बाय यू इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से कि अगर आपने HRM के लिए अप्लाई किया हुआ है तो HR रिलेटेड आपने कोई अगर काम किया है, पीपल रिलेटेड आपने कुछ स्किल्स आपके पास है, आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट किया है, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, आपकी कोई इंटर्नशिप है, तो आप वो मेंशन करो, ठीक है। ये जो कॉलम है यहाँ पर ट्राई करना कि आप कुछ ना कुछ रिलेवेंट चीज़ें लिख पाओ। अगर आपने कोई कोर्स वर्क भी किया है तो भी आप उसे ऐड कर सकते हो। मेरे रिकमेंडेशन में खाली छोड़ने से अच्छा आप कहीं ना कहीं से अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड अगर आपने कुछ वर्क किया है तो वो आप उसको वहाँ पर फिल कर सकते हो। छोटा सा भी वर्क हो, वॉलंटियर किया हो, एक दिन के लिए काम किया हो, इंटरेक्शन किया हो, ठीक है, तो आप उसको मेंशन करिए अपने। सबसे पहले तो आप अपने कोर्स, जो भी आपने कोर्स फिल किया है उसका आप सिलेबस देखिए, ठीक है। ये पूरे के पूरे DAF के लिए ही एप्लीकेबल हो रहा है कि आपका जो भी कोर्स का शॉर्टलिस्ट आया है जिसमें आपको एक्चुअली जाना है, आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए,
ठीक है, उस सिलेबस को आप उसके अंदर क्या क्या सब पार्ट आते हैं इसका एक रफ ओवरव्यू लेने का ट्राई कीजिए कि इस किस डायमेंशंस को वो टच कर रहा है, ठीक है। फिर अपने एक्सपीरियंसेस में देखिए कि आपने उन उन डायमेंशंस को किन किन एक्सपीरियंसेस में टच किया है, और फिर उस पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके उन चीज़ों को अलाइन करने का ट्राई कीजिए। याद रखिए कि DAF में आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना लिखें जो आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि जब आपको इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंटरव्यूअर्स आपको डिटेल में उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपने एक्चुअली में वो चीज़ नहीं की गई है तो वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे दिखेगी या फिर वो पकड़ी जाएगी, और वो आपके लिए एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो कोई भी फेक चीज़ या फॉल्स चीज़ ना लिखें, बट जितनी भी चीज़ें लिखें जेन्युइन लिखें और उस पर अच्छे से अपनी पकड़ बना के जाएँ, ठीक है। पकड़ बनाने से ये मतलब है मेरा कि आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ भी लिख दिया है, लेट्स से कि आपने लिख दिया कि आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट था, आपने कॉलेज टाइम पे सोशल वर्क के डायरेक्शन में कुछ कुछ चीज़ें की हैं, तो अब इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें की उनके बारे में डिटेल बताइए और उन चीज़ों से आपने क्या सीखा। तो ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपने एक्चुअली उन चीज़ों को किया हुआ है, वरना आप वहाँ पर थोड़े से ब्लैबरिंग करने लगोगे और वो समझ में आ जाएगा कि आपने ये चीज़ फेक लिखी या फिर छोटी सी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ठीक है। तो अभी जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं उसके बेसिस पे आपको एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। अब वो रफ ड्राफ्ट आप कैसे प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले ये जो तीनों क्वेश्चंस के हेडिंग हैं इन हेडिंग का आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ या फिर आप एक पेन एंड पेपर लो और जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं आप लिखते जाओ, ठीक है। वो आप लिखते जाओ, आप अभी ये मत सोचो कि ये रिलेवेंट है या नहीं, ठीक है, वो काम बाद का है। आप पहले चलिए एक कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, ठीक है। कि जो आपके मन में पहली लाइन आ रही है कि लेट्स से कि मुझे इस कोर्स का सिलेबस अच्छा लगा, मुझे ये जॉब पसंद है, ठीक है, आप वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप उस चीज़ को रिफाइन करना चालू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा कोर्स ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, तो मैं क्यों यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मेरा जो एक्चुअल रीज़न था वो ये था कि मैं ऑलरेडी ही टीचिंग फील्ड में था और वहाँ पर एज अ टीचर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, लोगों की कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना, उनको एक्सेल करते हुए देखना। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल भी हमारा ये टास्क होता है कि हम कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे काम करें, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हेल्प करें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक लाइन में लिख दी, ठीक है। ऑल्दो ये जो टर्म है कि कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये मुझे उस समय नहीं पता थे, ये अभी मुझे पता है। उस समय तो बस बेसिकली स्किल डेवलपमेंट या एक वर्ड पता था। तो आप वो लिखो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखो, फिर उसके बाद आप ये चीज़ देखो कि आपने जो लिखा है वो रिसर्च करके कि हाँ वो सही जो मीनिंग है वो कन्वे कर रहा है यानी, ठीक है। तो पहले आप अपना एक्चुअल मोटिवेशन लिख दीजिए और उसके बाद आप उसको धीरे 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 अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने इंटरेस्ट से अलाइन करना चालू कीजिए, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखना चाहिए। ये एक होल आइडिया है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और मल्टीपल ड्राफ्ट बनाइए, स्टार्टिंग में पहले एक ड्राफ्ट बनाइए, फिर उसको डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, आपके मेंटर्स के साथ, और फिर उसमें से क्या रिलेवेंट लग रहा है क्या नहीं रिलेवेंट लग रहा है उन चीज़ को कट शॉर्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चौथे या पांचवे ड्राफ्ट में आपका एक अच्छा सा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा। याद रखिए कि अब इस मोमेंट के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना अच्छा इंट्रोस्पेक्शन किया है, कितने अच्छे तरीके से आप अपने कोर्स के इंटरेस्ट को इंटरव्यूअर को कन्वे कर पा रहे हो कि हाँ आप इस वजह से इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ये स्किल आप इस कोर्स से बिल्ड करना चाहोगे और आपको प्रोफेशनली ये कोर्स इस तरीके से हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये चीज़ जो बंदा जितने अच्छे से कन्वे करेगा, जितने स्मूथली क्रिस्प और कंसाइज वे में इंटरव्यूअर को कन्वे करेगा, जितना ज़्यादा मोटिवेटेड दिखेगा उसको इंटरव्यू में उतने ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप जितना भी काम करोगे, जितना इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जितने ज़्यादा DAF बनाओगे उतना ज़्यादा आप इंटरव्यू के समय पे क्लियर होगे, ठीक है। इंटरव्यू में ये चीज़ याद रखना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ही मेजर पार्ट होता है किसी भी आपकी चीज़ों का। अगर आपने कोई बात बोली है तो आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज रखेंगे, यही आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जब आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा उस समय आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज आप अटक जाएंगे।
और वो आपके नेगेटिव्स में स्कोर होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है, कोई हॉबी अगर लिखी है तो उसके बारे में डिटेल याद रखिए, कोई आपने इंटर्नशिप की है उसके वजह से आपका इंटरेस्ट शेप हुआ है तो उस इंटर्नशिप के बारे में डिटेल याद रखिए, आपके कोर्स में वो टॉपिक आता है या नहीं वो ध्यान रखिए, कैसे इवॉल्व होता है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अभी गैदर कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इंटरव्यू में स्मूथली इस चीज़ को कन्वे कर पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि इस डायरेक्शन में आप वर्क करना चालू करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द पर्सनल इंटरव्यू पार्ट, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट दैट आई एम पोस्टिंग डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।